दोस्तों, आप रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, बहुत सारी मेहनत करते हो, लेकिन क्या होगा, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस नहीं आई, हमारी रनिंग में स्पीड नहीं आई। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा, आपका मन करता ही नहीं होगा कि मैं वर्कआउट करने के लिए जाऊँ। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद जब हम रेपिटेशन लगाते हैं या फिर अपना टाइमिंग जो लगाते हैं, आपके साथी खिलाड़ी आपसे आगे जब निकल जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता होगा कि मैं भी मेहनत करता हूँ, ये भी मेहनत करता है, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है, कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं वर्कआउट छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपके मन में हमेशा उल्टे सीधे ख्याल आते रहते होंगे। इस बात को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज आपका भाई मात्र 5 ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज के बारे में बताएगा, जिन्हें अगर आप वीक में 3 बार करते हो तो दोस्तों आपकी रनिंग में परफॉर्मेंस बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके पैरों की पावर भी बढ़ेगी। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें फास्ट दौड़ने के लिए हमारे पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पैर मजबूत ही नहीं है तो आप कैसे तेज दौड़ लोगे, आप ही बताओ। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के अंत तक, लेकिन आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, लास्ट वाले टिप्स को आप बिल्कुल ही मिस मत करना। तो चलिए एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। दोस्तों, नंबर 1 एक्सरसाइज है फ्रंट लंजेस। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी थाई इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि दौड़ते समय आपके पैर बिल्कुल ही नहीं भरेंगे। साथ ही साथ आप कितनी भी तेज भाग लेना, आपके पैरों में इंजरी की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, आपको इस एक्सरसाइज को करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो घुटना है, आपके पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोनों पैरों से 15-15 20-20 रेपिटेशन के साथ 3-3 सेट करने हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज का ही पार्ट है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं बैकवर्ड लंजेस। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को भी आपको कुछ इसी तरह परफॉर्म करना है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इस एक्सरसाइज में भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो घुटना है, आपके पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए, पंजे से थोड़ा सा पीछे ही रहना चाहिए, तभी इस एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको दोनों पैरों से 15-15 20-20 रेपिटेशन के साथ 3 सेट करने हैं। तो बढ़ते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों, नंबर 3 एक्सरसाइज है साइड लंजेस। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की ये प्रॉब्लम रहती है कि रनिंग करते समय हमारा स्टेप ही नहीं खुलता है या रनिंग करते समय हमारी थाई भरने लगती है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को रोजाना आप वर्कआउट में ऐड करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, रनिंग में आपका स्टेप इंक्रीज होने लगेगा, साथ ही साथ पैर भरने वाली जो आपकी समस्या होती है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोनों साइड से, यानी कि एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस तरीके से आपको 10-10 बार जाना है और 3 सेट इस एक्सरसाइज के करने हैं। तो बढ़ते हैं हम चौथी एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों, नंबर 4 एक्सरसाइज है स्टैंडिंग जंप। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, मैं मानता हूँ इस एक्सरसाइज को आप शुरुआत में करोगे तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा, लेकिन ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। आप धीरे धीरे इस एक्सरसाइज की आदत डालो, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैर इतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली तेज दौड़ने लगोगे, मेरा यकीन मानो, क्योंकि इस एक्सरसाइज को खुद मैं अपने वर्कआउट में ऐड करता हूँ। दोस्तों, अगर आप 100, 200, 400 मीटर स्प्रिंट करते हैं तो इस एक्सरसाइज से आपका स्टार्ट इतना तेज हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, जिन भाइयों का रनिंग में स्टार्ट खराब है और जो स्प्रिंट रेस करते हैं 100, 200, 400, 800 और 1600 मीटर वाले भी इस एक्सरसाइज को इग्नोर ना करें, तो इस एक्सरसाइज को जरूर अपने वर्कआउट में ऐड करें और इस एक्सरसाइज के 20-20 जंप के साथ आपको 3 सेट जरूर करने हैं। तो बढ़ते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों, नंबर 5 एक्सरसाइज है सिंगल लेग ब्रिज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करना है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट्स इतने मजबूत हो जाएंगे, आपकी थाई इतनी मजबूत हो जाएगी, आपकी कोर भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि जब आप भागते हो ना, भागते समय आप बोलते हो कि मेरी तो बॉडी ब्लॉक हो गई, यानी कि मैं टाइट पड़ गया, तो दोस्तों ये समस्या आपके सामने बिल्कुल आएगी नहीं। इससे आपकी कोर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, साथ ही साथ आपके पैर भी और ग्लूट्स भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से आपको क्या करना है, 30 सेकंड के 6 सेट करने हैं, यानी कि 30 सेकंड के 3 सेट लेफ्ट वाले पैर से करने हैं आपको और 30 सेकंड के 3 सेट राइट वाले पैर से करने हैं। दोस्तों, इन सभी एक्सरसाइज को अगर वीक में आप 3 बार जरूर करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, रनिंग में आपका स्पीड भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके पैरों की ताकत भी बढ़ेगी, जो आपको रनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, मेरे कहने से इन सभी 5 एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करें। दोस्तों, रनिंग में आपका स्पीड नहीं आया तो जो मर्जी चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं कभी आपको गलत सलाह नहीं देता। तो दोस्तों, इन सभी एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक
टॉपिक पर चाहिए। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लीजिए, यूजर नेम है प्रेम 100 मीटर। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेकर। अब हमें दीजिए जाने की इजाजत। जाने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।